मेरा नाम कविता है, मैं इंद्रापुरम में रहती हूँ। मेरी एज 30 इयर्स है। लास्ट ईयर मैंने नोटिस किया था अराउंड सितंबर अक्टूबर कि मेरे दांतों में गैप आना शुरू हो गया था, जो कि बहुत दिखता था, मतलब छोटा मोटा गैप नहीं था, धीरे धीरे दांत एक्सपेंड होने लगे थे तो वो गैप आना शुरू हो गया था। तो मैंने हमारे इंद्रापुरम में डॉक्टर झा का, डेंटिस्ट का मैंने देखा था क्लिनिक, तो मैंने उनसे पता किया, मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने जब उनको अपना, उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो कंसल्टेशन के लिए आना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन इनको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी थी, दांत का पूरा वीडियो बना के भेजा था। तो इन्होंने बताया था कि डेंटल ब्रेसेस इसका सोल्यूशन है। फिर मैंने यहाँ पे विज़िट किया था, तो डेंटल ब्रेसेस का फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो विद द ब्रेसेस। और कैसा या ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल आपका? एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। मैंने अपना ब्रेसेस लगवाए थे नवंबर 2020 में, उसके बाद अप्रैल 2020 में मेरे ब्रेसेस निकल चुके थे। तो विद इन हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, विद इन थिंक 6 मंथ्स हाँ, में, 7 to 8 months लगे थे विद इन आपको। 6 to 8 मंथ्स मेरे हाँ दांतों हाँ में काफ़ी फ़र्क नज़र आने लगा था। मतलब 6 to 8 मंथ्स में तो प्रॉपर पूरा दांत मेरे अलाइन हो गए थे एंड सारे गैप फिल हो गए थे। वाइल डूइंग दीज गोइंग फॉर दी मेटल ब्रेसेस मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, शुरू में जब लगाया था ब्रेसेस तो मुझे, मैंने काफ़ी स्टोरी सुनी थी कि आप खाना खा नहीं पाते हैं और मुंह के अंदर जख्म हो जाते हैं, पर ऐसा मुझे, मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने प्रॉपर खाना भी खाया और मेरे को कोई जख्म की प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर झा के यहाँ से जो मैंने मेटल अलाइन ब्रेसेस मैंने लगवाए थे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। तो जब मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया अराउंड अप्रैल 2021 में, तो फिर मेरे मेटल ब्रेसेस निकाले गए और मुझे फिर क्लियर रिटेनर्स दिए गए, ताकि जो दांत के जो गैप्स होते हैं वो फिर से, अगर आप मेटल ब्रेसेस हटा देते हैं तो वापस से दांत अपनी पोजीशन पे जाना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो रिटेनर्स दिए गए जो कि मुझे कम से कम 8 महीने मेरे को लगातार वो पहनने हैं, सिर्फ खाने के वक्त ही उतारने हैं। उसके बाद मुझे बताया गया कि आफ्टर 8 मंथ्स आई कैन ओनली वेयर देम इन द नाइट और मेरे दांत ठीक रहेंगे। तो मैं अभी वही फॉलो कर रही हूँ एंड अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कॉस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा था प्रोसीजर, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। ऑफ कोर्स अगर आप क्लियर अलाइनर्स के साथ जाते हो वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, बट मेटल ब्रेसेस का ये कि जल्दी हो जाता है उससे। आई थिंक मेटल ब्रेसेस थोड़ा सस्ता है, देखने में थोड़ा ठीक नहीं लगता होगा लेकिन उससे काम जल्दी हो जाता है कंपेयर टू अगर आप क्लियर अलाइनर्स लगाते हैं तो। मे भी शायद उसमें थोड़ा 1-2 महीना ज़्यादा लग जाता, पर कॉस्ट वाइज काफ़ी इफेक्टिव था एंड आई वुड बट सजेस्ट। इस मामले में आप थोड़े लकी थे हाँ क्योंकि हाँ अभी मास्क पहनना था सबको हाँ जी, अभी मास्क तो। पहनना था तो वो पीरियड अभी भी आप करवा सकते हैं क्योंकि अभी मास्क पहनना तो इट्स लाइक मैंडेटरी। तो इफ़ यू हैव एनी डेंटल इश्यूज यू कैन ऑलवेज गेट इट फिक्स्ड एंड आप डॉक्टर झा से करवा सकते हैं। उन्होंने कंसल्टेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया और सारी जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस आते थे रिगार्डिंग ब्रेसेस उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसका आंसर किया। एंड आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन गो फॉर इट। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू।